बोलो शंकर भगवान की जय तो देखो ये शिवरात्रि आ रही है मैं आज आपको एक शंकर भगवान की माँ पार्वती माता की एक कहानी सुनाती हूँ नई कहानी है एक समय की बात है महादेव जी और पार्वती जी सारी सृष्टि में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे महादेव जी पार्वती जी से बोले कि पार्वती जी आप छह महीने के रास्ता से चलोगी या बारह महीने के रास्ता से चलोगी पार्वती जी कहती हैं कि मैं तो बारह महीने के रास्ता से चलूंगी महादेव जी कहते हैं कि देखो संसार है इसमें आपको अच्छे बुरे सब सुनने पड़ेंगे अच्छे बुरे काम देखने पड़ेंगे कोई बात की आप हट नहीं करोगी पार्वती जी बोली ठीक है महादेव जी पार्वती जी दोनों भ्रमण करने के लिए चल देते हैं आगे जाकर आगे रास्ता में शंकर भगवान घोड़े पे बैठ जाते हैं पार्वती जी पीछे उनके पीछे पीछे चलती है है एक नगर आता है, वहाँ पे पांच सात स्त्रियाँ उनको देखकर हंसने लग जाती हैं और कहती हैं देखो देखो ये हट्टा घट्टा तो इस पे बैठा है और इसकी लुगाई बिचारी पैदल पैदल चल रही है तब महादेव जी घोड़े से उतर के और पार्वती जी को घोड़े पे बिठा देते हैं और पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी देख लिया संसार का खेल क्या बोलते हैं आगे चल देते हैं आगे फिर एक नगर आया वहाँ पे उनको पार्वती जी घोड़े पे बैठी हैं सब देख के कहते हैं कि देखो देखो लुगाई को तो इसने घोड़े पे बिठा रखी है और खुद पैदल जा रहा है तब महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी मैं बैठा था जब भी ये ऐसे बोले थे और अब भी आप देखो ये संसार का खेल है कैसे भी नहीं जीने देते हैं पार्वती जी उतर जाती है दोनों पैदल पैदल चलते हैं तब आगे जाके पांच सात स्त्रियां आ रही थी तो उनको देखकर हंसने लग जाती हैं और कहती हैं देखो देखो इनके पास घोड़ा है जब भी दोनों पैदल जा रहे हैं तब तो महादेव जी कहता है पार्वती जी मैं बैठे मैं घोड़े पर बैठा था तब भी ऐसे कह रहे थे आप बैठे थे जब भी कह रहे थे अब दोनों ही नहीं बैठे तब भी ऐसे बातें कहते हैं ये संसार है इस तरीके से भगवान चल आगे चल देते हैं आगे एक नदी पे एक लड़का खड़ा था महा वो बेचारा खड़ा रो रहा था खड़ा खड़ा तब पार्वती जी ने कहा कि स्वामी ये लड़का क्यों रो रहा है इसके कारण पूछो जाके तब वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश के उस लड़के के पास आते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि बेटा आप क्यों रो रहे हो आपको क्या दुख है तब वो लड़का कहता है कि मेरे माँ बाप तो है नहीं मेरी भाभी है जो मुझे खाना नहीं देती है कहती है कि ये ओंदा घड़ा में पानी लेके आओ और बिगर रस्सी से लकड़ी बांध कर लेके आओ जब तो मैं आपको खाना दूँगी तब मैं इसमें पानी कैसे भरूं पानी भरता हूँ ये निकल जाता है महादेव जी ने को दया आ गई महादेव जी कहते हैं कि ये इसकी ढक्कनी लगा के पानी भर के और बोल देना कि चिपक महादेव जी तब उस लड़के ने उसमें पानी भर लिया ढक्कनी लगा के बोले कि चिपक महादेव जी तो वो ढक्कन उसके चिपक जाता है घड़ा भर गया लकड़ी बीन कर लाया और इसी तरह से वो लकड़ी को एक जगह करके और कहता है कि चिपक महादेव जी तो वो लकड़ी भी चिपक जाती हैं इस तरीके से लड़का घड़ा को लेके और लकड़ी का गठड़ लेके घर आ जाता है उसकी भाभी देखकर उसको चौंक जाती है कि ये तो पानी भर लाया अब तो इसको खाना देना ही पड़ेगा तो पहले के जमाने में छींका रोटीन का छींका ऊपर टांग देते थे तब उसकी भाभी छींके से रोटी उतारने के लिए छड़ी उतारने लगी तो वो लड़का भी बहुत ही होशार था उसने सोचा कि इसने मेरे को बहुत दुख दिए हैं अब मैं भी इसको कुछ दिखाता हूँ तब भाभी रोटी उतारने लगी तो उस छींका से वहाँ पे बोल दिया उसने चिपक महादेव जी तो वो वहाँ चिपक जाती है वो उतर नहीं पाती है तो उसके भाई आता है आके वो कहता है कि तेरी भाभी कहाँ है तब वो कहता है पता नहीं अंदर होगी उसका भाई अंदर जाके देखता है तो वो वहाँ पे चिपकी हुई है वो उसको उतारने के लिए जाता है तो लड़का फिर के देता है चिपक महादेव जी तो वो भी वहाँ पे चिपक जाता है इस तरीके से उसके आस पास वाले और कोई सब आते हैं तो वो उसको, उनके हाथ लगाते हैं वो भी चिपक जाते हैं उनके कोई रिश्तेदार वगैरह जो कोई आते हैं उनको छोड़ाते हैं वो वहां के चिपक जाते हैं तो इस तरीके से वो बाहर थोड़ी की खूब लाइन लग गई लाइन लग गई महादेव जी पार्वती जी फिर ब्राह्मण करके उधर होके आते हैं पार्वती जी कहती है कि ये लाइन कैसी लग रही है यहाँ इतने आदमी इकट्ठे क्यों हो रहे हैं चल के देखते हैं तब वो आए ब्राह्मण के रूप धर के नहीं आए देखे तो वहाँ पर वो ही लड़का खड़ा है और खूब सारी लाइन लग रही है सभी कहने लगे भाई यहाँ पर क्या बात है इतनी भीड़ कैसे हो रही है क्या लाइन लग रही है तब सब कहने लगे कर जो भी कोई यहाँ आता है वो यहाँ चिपक जाता है तब महादेव जी कहते हैं कि, फिर उस लड़के महादेव जी से कहते हैं कि हे hey, भगवान इनको आप अब इनको आप छुड़ाइये तब महादेव जी महाराज उनको छुड़ा देते हैं उनका छिटा देखे और उनको छुड़ा देते हैं तब वो लड़का उनको सारी बात पूरे गांव वाले को बात बता देता है तब उनको सबको पता चला कि ये इसको खाना नहीं देती थी तो ये लड़का की करी मात हुई थी इसी ने इनको छिपकाए थे तब वो लड़के ने बताए थे कि भगवान शंकर भगवान ने मेरे को यह मंत्र दिया था इससे ये चिपक जाते थे उस दिन के बाद में उसके भाई और भौजई के मन में बहुत श्रद्धा होगी शंकर भगवान की नेम धर्म की और उस दिन के बाद में वो लड़के को खूब अच्छी धानी से रखने लग गई और ये कहानी पूरी होती है हदूरी को पूरी करना पूरे का परवाने देना बोलो शंकर भगवान की जय माँ पार्वती की जय